तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने अड्डे पे। अड्डा मीन्स यही आप देखते हो ना, ये पीछे वॉल और मैं यहाँ पे ऐसे चेयर पे बैठी हूँ। तो यहाँ पर मैं स्पेशली ना एकदम क्या बोलते हैं, शांति से वीडियो को शूट करती हूँ। और दोस्तों मैं आज आपके बीच में लेकर आई हूँ आपकी ही डिमांड पूरी करने के लिए अपना इयररिंग्स कलेक्शन, जो कि बहुत टाइम से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि प्लीज अपना इयररिंग कलेक्शन शेयर करो। तो दोस्तों फाइनली आज मैंने मुहूर्त निकाल लिया, अपना इयररिंग कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं तो आपकी विश पूरी कर ही रही हूँ, बट आप लोग मेरी विश पूरी नहीं करते हो। पूरी ऐसे नहीं करते हो कि मेरे चैनल को, एक तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ज्यादा से ज्यादा, आप आते हो, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं कुछ खास तो कि वो आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। भाई एक सब्सक्राइब का बटन ही तो है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, प्लीज उसको दबाओ यार, मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दो ज्यादा से ज्यादा। एंड मैं आपको बोलती हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर करो अपने अदर फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि आप वो भी करते हो, मेरा कहा हुआ वो भी नहीं मानते, मुझे नहीं लगता। अगर आप करते हो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कह दो ये झूठ है कमेंट सेक्शन में कि हाँ हम आपकी वीडियो को शेयर करते हैं। और अगर आप ऐसा करते होंगे तो सीरियसली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के, और झूठ मत बोलना, सच्चा बताना कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज ये रहा मेरा इयररिंग कलेक्शन का बॉक्स, और पता है क्या, इसमें बहुत ज्यादा इयररिंग्स और थे, मतलब इतने ही और रहे होंगे, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ। तो क्या करना, इतना रख के मुझे समझ नहीं आता, तो जैसे हो जाता है ना कि ठीक है, वैसे ना जो मेरी चीजें होती हैं दोस्तों, मैं सच बताऊँ वो टूटती भी नहीं है ना, खराब होती है, क्योंकि मैं ठीक से ही रखती हूँ अपनी चीजों को। और वैसे भी चीजें जो है दो तीन बार ही पहनते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि ड्रेस के साथ मैच करने वाली होती है, तो फिर ठीक है ना, मैंने दे दी काफी चीजें। वैसे भी शादी होने वाली है, तो शादी के बाद थोड़ा सा एक अलग टाइप का स्टाइल हो जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले खोलती हूँ मैं ये वाला बॉक्स खोलती हूँ, ठीक है, इसमें दिखाती हूँ क्या क्या है। इसमें तो एक ये सबसे पहले पायल खुली है, जो कि आपने देखी थी ना, मुझे थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है पायल, जो कि अंकित मेरे लिए गोवा से लेके आए थे, मैंने वाला पहले भी दिखाई हुई है आपको, दो है ये, मैं एक दो कहीं पे रखी हुई है, उस दिन पहनी थी ना मैंने, तो अच्छी है ये पायल भी। और दोस्तों पता है क्या, अंकित मेरे लिए कुछ भी लेके आते हैं ना, छोटा मोटा कुछ भी यार, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, चाहे वो 10 रुपए की चीज क्यों ना लेके आए, जो कि महाशय जी बहुत सदियों बाद लेकर आते हैं कुछ ऐसी चीजें। तो दोस्तों ये है एक इयररिंग मेरे, जो कि मैंने कहाँ से लिए थे, मुझे खुद याद नहीं है यार, मैंने कहाँ से लिए थे, बड़े प्यारे हैं देखो, हाँ यहीं से लिए थे यार, चंडीगढ़ से ही तो लिए थे, ड्रेस के साथ वेयर करने के लिए, बहुत सुंदर है ना ये, देखो मुझे अच्छे लगते हैं ये, ठीक है आपको दिखाती हूँ। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, ये बताती हूँ मैं आपको, ये इतने पुराने इयररिंग्स है ना मेरे, ये देखो ये मतलब ऐसे आते हैं, ये पता है मैंने कब लिए थे, 2016 में आई गेस, हाँ 2016 में, वो भी दिल्ली से, मुझे लगता है 30-40 रुपए के लिए थे मैंने, और अभी तक इसकी शाइन वैसी की वैसी है, और मैंने संभाल के रखा हुआ इसको बड़े अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक और, ये भी बड़े प्यारे से इयररिंग्स हैं, मुझे इयररिंग, या मुझे तो हर चीज का ही शौक है, मैं क्या बताऊँ, परफ्यूम का मुझे शौक है, मेकअप का मुझे अच्छा लगता है अच्छी अच्छी चीजें लेना, और परफ्यूम्स का हो गया, हर चीज का यार, मतलब क्या बोले। तो ये देखो कितने प्यारे हैं ना इयररिंग्स भी, बताना आपको कौन से सबसे अच्छे लगे, ठीक है, ये थर्ड नंबर के हो गए, आप नंबर वाइज बताना मुझे कि कौन से अच्छे लगे। फिर आते हैं फोर्थ नंबर पर, और ये भी बहुत सुंदर इयररिंग्स है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे कहीं से, ये देखो दिख रही है क्या, एक मिनट, ये देखो कितने प्यारे हैं, छोटू से सूट के साथ वेयर करने के लिए, फोर्थ नंबर के हो गए। और फिर आते हैं फिफ्थ नंबर के इयररिंग्स, ये ना जानते हैं आपको, हार्ट बना हुआ है, हार्ट हार्ट बना हुआ है, रेड कलर का हार्ट ड्रॉप, तो ये मुझे गिफ्ट में मिले थे पता है कब, 2017 में शायद, तो ये भी बहुत प्यारे हैं, संभाल के रखे मैंने, ठीक है वापस इनको वहीं रख देती हूँ। नेक्स्ट है इसमें, और दोस्तों ये बॉक्स भी ना मुझे गिफ्टेड मिला था, मुझे ये मिला था कॉलेज टाइम में, तो ये मैंने संभाल के रखा है, कोई शिमला गया था मेरे फ्रेंड, तो वहाँ से ये लेके आई थी, ये लोग गए थे ग्रुप में घूमने के लिए, तो मेरे लिए लेके आए थे ये बॉक्स, और मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको दिखाती हूँ सिक्स्थ नंबर के इयररिंग्स हो गए ना शायद, ये काफ़ी बड़े हैं, एंड आई रियली लाइक इट,
अच्छे लग रहे हैं ना। आप बताना दोस्तों आपको मेरी चॉइस कैसी लगती है। काफी लोग बोलते हैं कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, मुझे भी ऐसा लगता है। तो एक ये हो गई, ठीक है। ये मैंने दोस्तों बहुत कब मंगवाए थे, आई थिंक 2017 में 2018 में मंगवाए थे ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट है ये बहुत मेरी मतलब इनसे यार मेरी चीज़ों से ना मेमोरीज जुड़ी होती है, तो मैं कुछ कुछ अच्छी चीज़ें अपने पास ही रखती हूँ चाहे मैं उनका यूज़ ना भी करूँ। और एक ये हैं, आप बताना, आपको नंबर आप खुद देखते रहना मैं कौन से नंबर की इयरिंग दिखा रही हूँ, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, ठीक है। एक ये है, अच्छे लग रहे हैं ना, सारे अच्छे हैं यार। एक आपको दिखाती हूँ, और बहुत सारे इयरिंग्स हैं, मैं कितने तो मैं दे भी चुकी हूँ। और ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी से हम कहते हैं। और दोस्तों ये भी मैं लेकर आई थी 30 रुपये की मात्र, और ये मतलब बहुत पुराने इयरिंग्स हैं यार। ये 2017 में ये भी ऐसी कुछ लेके आई थी मैं 2017-18 में। मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार, क्योंकि मेरे इयरिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। फटाफट दिखाऊँ क्या दोस्तों, ये हैं स्काई कलर में, थोड़े ये वैसे हैं मतलब जैसे पार्टी वेयर वेडिंग वगैरह में डालने के लिए। और हम गर्ल्स का और काम ही क्या होता है, मतलब यही सब ढेर लगाने का तो काम होता है। ये भी है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ये भी मैंने 20-30 रुपए के लिए थे, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये भी। पैन पैन के नहीं दिखा सकती हूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने लिए थे 2016 में शायद, देखो बहुत अच्छी झुमकी है ये, एक तोले की झुमकी रे, अगेन झुमकी चेन वाली ऐसे है, कैसे है ऐसे है ऐसे, अरे यार ऐसे। और उसकी चेन आप पीछे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे ऊपर कर सकते हो, ये भी सुंदर है, सारे सुंदर हैं यार, मुझे तो सभी सुंदर लगते हैं। रख देती हूँ नेक्स्ट बॉक्स दोस्तों। और दोस्तों मैं बताऊं, मैं तो चीजों को चलो संभाल के रखती हूँ, मतलब मेरा ये होता है कि चीजें मुझसे टूटती नहीं है, खराब नहीं होती हैं, पर इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अगेन एंड अगेन मेरी माँ का ही है। मेरी मम्मी, मैं जैसे कहीं से आती हूँ ना घूम के, तो मैं चीज़ें ना संभाल तो दूंगी पर मैं बड़े आराम से संभालती हूँ, और मैं ऐसे ही रख देती हूँ। जब अगर मैं बाहर से आई हूँ थकी हुई है तो मैं चीज़ें ऐसे ही रख देती हूँ, बट मेरी मम्मी कहीं से भी आते हैं ना बाहर से, चाहे वो कितने भी थके हों, तो वो सबसे पहले चीज़ों को रखते हैं एकदम संभाल के अपनी जगह पर, और मेरी भी चीज़ों को मेरी मम्मी रखती है। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कसम से, मैं तो कितनी बार क्वेश्चन कर रही हूँ, मम्मी ये कपड़े मैं कहाँ रखूंगी शादी के बाद, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा यार। मम्मी पता है ये बोलते हैं कि ना पहले ऐसे ही लगता है, और हम भी कभी छोटे थे फिर हमने भी चीजें संभाली, हमको भी पहले नहीं आता था, तू भी कर लेगी, पर मुझे तो समझ नहीं आता यार कैसे करूंगी। घर तो मैं लूंगी यार, पर टेंशन सी हो रही है यार। चलो आते हैं वापस इसी टॉपिक पे यार। एक तो ये शादी के सदमे ना, वही है ना, शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो भी पछताओ, वही हाल हो रहा है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है ये वाले इयररिंग्स, जो कितने प्यारे हैं, ये भी मुझे गिफ्ट में मिले थे, मस्त है ना। यार बहुत सारे हैं ये, कब तक खत्म होंगे, कैसे हो जाएंगे यार जल्दी, क्यों मैं इतनी टेंशन ले रही हूँ, हो जाएंगे हो जाएंगे, जाना मत कहीं पे, सारे वीडियो देखना आपके लिए बना रही हूँ स्पेशली। ये देखो ये छोटे छोटे हैं, ये तो डेली वेयर के लिए ना, ये हो गए, जब मन करता है तब ले लेती हूँ, बट मैंने काफ़ी सालों से लिया नहीं पता है, अब तो थोड़े थोड़े मुझे लग रहा है शौक कम हो रहे हैं, या फिर होता है ना यार कि कभी समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हाँ जैसे फेस्टिवल में अपने लिए तैयार हो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि यार तैयार भी किसके लिए होना है। मुझे तो सच में कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है कि यार किसके लिए तैयार हूँ मैं, जिसके लिए तैयार होना है वो तो इतनी दूर है, होता है ना कि यार हाँ तैयार हूँ तो फिर उनको दिखाऊं। हाँ बढ़िया होता है, जब भी मैं तैयार होती हूँ फोटो खींच के दे देती हूँ वहाँ पर,
ये देखो एक ये है, ये भी डेली वेयर के लिए है। छोटी छोटी झुमकी हैं दोस्तों, ये डेली वेयर के लिए हैं। और वैसे ये चीजें यार, मैं ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ ही शादी के बाद काम नहीं आएगा, शादी के बाद भी चीजें काम आ जाती हैं। कौन सा जाके बस अब मैंने क्या ही कर देना ना। ये देखो ये तो सेम ही है, दो पड़े हैं बस ब्लैक पेयर, और ये हैं पार्टी वेयर, बड़े से इयररिंग्स ये लिए थे 2019 में। देख लिया ना, और एक ही है दोस्तों, ये हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, और ये मैंने अपने गृह प्रवेश की पूजा में पहने थे सूट के साथ। अगर आपने मेरी गृह प्रवेश की वीडियो देखी होगी ना, और अगर नहीं देखी तो जाके देख सकते हो आप, मैंने येलो सूट वेयर किया था उसके साथ पहने थे। इसके साथ मांगटी का भी है, बट मैंने मांगटी का नहीं, मैंने सिर्फ इयररिंग्स पहने थे। एक ये भी है छोटा सा, ये भी मुझे गिफ्ट मिले थे 2017 में, जो कि बहुत क्यूट है। और कुछ कुछ चीजें तो ऐसी जो मैंने पहनी भी नहीं है यार, जैसे कि ये तो मैंने पहनी है, वो रेड वाले जो मैंने सबसे शायद 4-5 नंबर पे दिखाए थे ना, हार्ट बना है जिसमें, वो तो मैंने पहने भी नहीं है। ये देखो ये तो मैंने एक बार पहने थे वैसे शायद से, वो भी घर में वीडियो बनाने के लिए। ये अच्छे हैं, तो अपने गहनों का पिटारा मैं खोलती हूँ आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लिमिटेड ही है दोस्तों यार, मैं क्यों टेंशन ले रही थी, क्योंकि मैंने कहा ना आपको, मैंने काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दी है इयररिंग्स अपने। सो एक तो है ये, सॉरी मैंने खोला नहीं, एक ये है। ये ना मुझे ना करवा चौथ पे जो मेरे ऑफिस में निर्मला मैम है उन्होंने गिफ्ट किया था। मुझे इयररिंग्स का भी शौक है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। नहीं मैम ने बोला कि मैं देख रही थी वैसे, मैम ने बोला क्या तुझे पसंद है, मैंने कहा मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। जब मैंने रेट पूछा ना इसका, तो क्योंकि हमने ये थोड़े अच्छी वाली शॉप से लिए थे, अब अच्छी शॉप में जाओ तो वो यही होता है कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं। क्वालिटी नो डाउट अच्छी मिलती है, बट चीज़ें कभी कभार बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। तो ये आई थिंक 600 के मिले थे मुझे, 600। तो मैम ने बोला तू ले, मेरी तरफ से गिफ्ट है तेरे लिए। मैं उनके साथ गई थी उनकी करवा चौथ की शॉपिंग करवाने के लिए, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था यार, हाउ स्वीट। सुंदर है ना, ये मैंने पहने थे अंकित जब आए थे दिवाली पे, दिवाली से एक दिन पहले, हमारी फर्स्ट दिवाली थी साथ में 2022 में शायद, हाँ तब। एक ये भी है, ये थोड़े फॉर्मल लुक में है, वो नहीं लग रहा ये पकौड़े तलने वाला करछे टाइप, ये देखो। अच्छे हैं पड़े हुए, बस सब कुछ इसमें है, दिखा देती हूँ आपको। ओ इसके साथ की मैंने झुमकी तो दे दी यार, ये तो झुमकी चेन है, इसमें इयररिंग्स थे ना वो मैंने दे दिए। कहाँ फंस गया ये, ये मैंने 2017 में पहने थे शायद दिवाली के टाइम पे, अब उस टाइम मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी ना, पर मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई हुई है। उस टाइम मैं टिकटॉक चलाती थी बहुत, टिकटॉक पे भी दोस्तों 60,000 फॉलोअर्स होने वाले थे, और तब तक टिकटॉक ही बंद हो गया। 58-59 पे पहुंच गई थी मैं, 58-59,000 फॉलोअर्स हो गए थे टिकटॉक पर, और बस 60,000 जस्ट टच ही होने वाला था, तब तक टिकटॉक ही बंद हो गया था। तब मैं उसमें वीडियोज बना के डाला करती थी। और ये है मेरे चेन, इसके साथ के जो कान के थे वो मैंने दे दिए, तो चेन रखी अपने पास।
नेक्स्ट इयर रिंग्स हैं ये। ये मैंने अभी देखा होगा आपने ब्लैक सूट वेयर किया था उसके साथ पहने गई, अगर आपको ध्यान हो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है। इसके साथ ना मांगटिका भी है। सुंदर लग रहा है ना? तो ये मैंने बड़े सस्ते में लिए थे, वैसे 200 रुपये में शायद ऐसे कुछ लिया था, अच्छी डील पे मिल गया ना मुझे। और लास्ट इयर रिंग मेरे है ये क्यूटीज है, ये मैंने 100-150 के लिए थे। तो दोस्तों मतलब खास खास बड़े बड़े इयर रिंग्स तो यही हैं, और बाकी तो छोटे मोटे भी हैं वो भी दिखा देती हूँ, दिखा ही रही हूँ ना जब सब कुछ। हाँ अरे सबसे खास इयर रिंग तो आपको दिखाया नहीं, रुको 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 रुको, देखो भाई देखो। ये देखो इयर रिंग्स, ये खास पता क्यों है? क्योंकि ये मेरे लिए ना अंकित लेके आए थे, दिल्ली गए थे वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो वहां से मेरे लिए इयरिंग लेके आए थे। चाहे बेशक दोस्तों सरोजनी से लाए होंगे ठीक है ना, बट मुझे इतनी खुशी हुई ना इनको पाकर कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि अंकित ऐसी चीजें, अंकित को इतना ऐसा नहीं आता है, मतलब अभी वो लेकिन काफी कुछ पहले से बेटर हो चुके हैं। मतलब पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था यार, मतलब मुझे लगता था ये क्या है, ये ऐसे क्यों है मतलब। बट डे बाय डे थोड़ा थोड़ा चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं, गुड चेंजेस, जो कि मुझे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। तो वो एक्सप्रेसिव थोड़ा कम ही है, एंड मुझे एक्सप्रेसिव मतलब मुझे होता है कि यार थोड़ा एक्सप्रेस तो करो अपने प्यार को। तो ये इयररिंग्स बहुत स्पेशल है मेरे लिए, मैंने संभाल के रखे, मैंने एक बार भी नहीं पहनी ये। और दोस्तों एक है ये छोटू से इयररिंग्स, मैंने एक बार अपनी ड्रेस के साथ पहने थी अंकित जब आए थे ना तब, जिसमें मैंने वाइट सी जैकेट पहनी हुई है क्रॉप टॉप के साथ। और एक है ये भी मैंने एक बार ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी थी और अंकित ने भी ट्विनिंग करी थी मेरे साथ, तब पहने थे मैंने ये ऑरेंज ऑरेंज तब। ये देखो, तो दोस्तों ये था मेरा सारा इयररिंग कलेक्शन। बाकी वो छोटे छोटे से टोपस टुपस से होते हैं वो तो क्या ही है, वो तो चलो नॉर्मल है। जो खास खास था वो ये था, और काफ़ी इयररिंग्स मैं दे चुकी हूँ अपने। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा मेरा इयररिंग कलेक्शन, और सबसे अच्छे इयररिंग्स कौन से लगे वो आप कमेंट करके बताना मुझे। और नेक्स्ट अगर कोई आपकी और डिमांड है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो आप लोग, प्यार दो ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर भी करो ठीक है ना। मैं चाहती हूँ शादी तक मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएं, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं शादी की अपडेट आपको फटाफट दूँ। यूँ हल्दी ख़त्म हुई फिर वीडियो आ रहा है, और मेहंदी खत्म हुई वीडियो आ रहा है, और अगर आप ऐसे ही करोगे ना फिर मैं भी डील छोड़ दूंगी कि नहीं यार वो प्यार भी तो देते नहीं है, तो मैं भी आराम आराम से बनाऊंगी। एंड दोस्तों हाँ, कोई ना मुझसे कमेंट करके पूछा था मेरा हेयर कट कौन सा है, तो डियर मुझे मेरा हेयर कट नहीं पता है, क्योंकि मैं सलोन गई और मैंने उनसे बोला जो मेरे फेस पे अच्छा लग रहा है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर दो, और मुझे इतना नहीं पता है कटिंग वगैरह का। मैंने उनको कमेंट भी किया बल्कि कि इट विल बी बेटर टू डिस्कस विद योर बार्बर, मींस योर जो भी होगा हेयर कट करने वाला पर्सन ना, तो उसके साथ आप डिस्कस करो ज्यादा बेटर है। मैं ऐसे कैसे बताऊँ, क्योंकि हर किसी का फेस स्ट्रक्चर अलग होता है, किसी के फेस पे कैसी कटिंग अच्छी लगती है, किसी के फेस पे कैसी कटिंग अच्छी लगती है। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ, और टिल देन बस ये अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।